सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चॉकलेट केक कोको पाउडर के साथ। इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, ताकि आप मेरी नई लेटेस्ट आने वाली वीडियोस से अपडेट रहें। अब हम देखते हैं कि इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले मैंने मैदा लिया है, मैदा मैंने 3 कप लिए हैं। उसके बाद मैंने चीनी ली है, चीनी मैंने 2 कप इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद इसमें ये ऑप्शनल है, आप कोकोनट डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आप नहीं डालना चाहते तो बेशक मत डालें। इसको हम ग्रेट करके डालेंगे, कोकोनट को हम इसको क्रश करके डालेंगे अंदर। और उसके बाद मैंने 4 अंडे लिए हैं इसमें। फिर मैंने 1 कप दूध का इस्तेमाल करना है, 1 कप मैंने इसमें घी लिया है। उसके बाद कोको पाउडर ये आपको आराम से मिल जाएगा किसी भी स्टोर से। और उसके बाद बेकिंग पाउडर आप इस्तेमाल करेंगे इसमें। आइए देखें अब कैसे बनाते हैं। अब हमने जो घी लेना है वो हमने उसको फेंटना है 10 से 15 मिनट और उसको बिल्कुल हमने सफ़ेद मलाई की तरह वो नज़र आना शुरू हो जाए, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसा नज़र आएगा। तो आपने फेंटना उसको ख़त्म करना है। ये देखिए मैं फेंटना शुरू कर रही हूँ, देखिए फिर आप हमें फेंटते रहना है इसको। ये आपको बिल्कुल सफ़ेद मलाई की तरह नज़र आना चाहिए, फिर हम इसको फेंटना बंद करेंगे। ये देखें ये मुझे 15 से 20 मिनट हो गए हैं ये इसको फेंटते हुए। ये देखें ये बिल्कुल क्रीम की तरह हो गया है। ये देखें इसका रंग देखें, इसका टेक्सचर देखें, बिल्कुल क्रीम की तरह हो गया। अब हम इसके अंदर चीनी मिलाएंगे। चीनी जो है ये मैंने ग्राइंड कर ली है और इसको मैंने बारीक कर लिया है ताकि जल्दी से हल हो जाए। ये मैंने चीनी जो है ये पाउडर मैंने फॉर्म में डाल दी हूँ ताकि ये आसानी से मिक्स हो जाए। आप अगर साबित चीनी जैसे हमारे घरों में होती है वैसे भी आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। मैंने चीनी जो है ये 2 कप लिए हैं, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, ये हंसपे जायका ले लें। क्या आपको ज़्यादा मीठा पसंद है, हमारे घर नॉर्मल मीठा इस्तेमाल होता है तो मैंने सिर्फ 2 कप लिए हैं। अब मैं चीनी को इसके अंदर डालूंगी। अब आप चीनी को मिक्स कर लें। ये देखिए मैं चीनी को मिक्स कर रही हूँ और ये घी है जो हमने बिल्कुल क्रीम की तरह फेंट के बना लिया था, इसकी जो फॉर्म थी वो बिल्कुल क्रीम की तरह हो गई थी। अभी आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, मिक्स करते रहना है जब तक कि आपको लगे ये मुकम्मल तौर पर घी के अंदर मिक्स हो गई है। ये मैंने 10 से 15 मिनट इसको घी में चीनी डाल के मैंने फेंट लिया। ये देखें हमने इनको अच्छी तरह मिक्स कर लिया, उसका कलर बिल्कुल सफ़ेद हो गया। देखें अब मैं इसके अंदर दूध शामिल करूंगी। दूध शामिल करके मैं इसको फेंटूंगी और फिर हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। अब ये देखिए मैं फेंटूंगी। ये 2 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर इसके अंदर डाल दिया और अब हम इसको मिक्स करेंगे। हम इसको मिक्स करके पतला कर लेंगे। ये देखिए मैंने बेकिंग पाउडर इसमें ऐड करके और ये जो चीनी और ऑयल, चीनी और घी का मैंने मिक्सचर बनाया है, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और हमने इसको पतला करना है और फिर इसके अंदर हम बाद में और इन्ग्रीडियंट्स ऐड करेंगे। अब ये 4 अंडे जो हैं ये हमने एक बोल में निकाल के और इसको इनको फेंट लेना। देखिए इसको मैंने 5 से 10 मिनट फेंट लिए, ऊपर झाग आना शुरू हो गई, अच्छी तरह फेंट के। अब इसे मैं साइड पे रख दूंगी। अब हम मैदा जो है जो हमने रखा हुआ था 3 कप
उसको हम अब अपने दूसरे बैटर में डालेंगे जो चीनी, घी और बेकिंग सोडा और दूध का हमने बनाया हुआ है। अब हम इसके अंदर ये देखें, ये जो हमारा बैटर था जिसमें हमने घी, उसके बाद चीनी, दूध और बेकिंग सोडा ऐड किया हुआ, इसमें अब हम अपना मैदा ऐड करेंगे। ये मैंने 3 कप मैदा लिया था, ये हम इसमें डाल रहे हैं। अब हम इसको मिक्स करना शुरू करेंगे इकट्ठा, आराम आराम से मिक्स करते जाएं आप। और बस ध्यान रखना है कि लम्स ना बने इसमें, जो गुठलियां सी बन जाती हैं वो ना बने, जो ढेलियां बनती हैं। हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करते जाना। अब हम आपको मिक्स करके दिखाते हैं कि मिक्स कैसे कैसे होगा। अब हम इसके अंदर अंडे डालने लगे हैं। ये देखिए, अब आपने थोड़ा थोड़ा सा अंडा डाल के फिर इसको मिक्स करना है, फिर ऐसे वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा अंडा ऐड करते रहेंगे हम इसके अंदर। ये हमने दूध का आधा कप ले लिया, इसके अंदर हम कोको पाउडर ऐड करेंगे चॉकलेट केक को फ्लेवर देने के लिए। ये हम 1 चम्मच लेंगे, ये हम इसको लेके मिक्स करके अच्छी तरह, ताकि ये कलर देगा और उसका टेस्ट देगा। ये जो कोको पाउडर है ये केक को चॉकलेट फ्लेवर देगा और इसको खूबसूरत सा एक चॉकलेट का रंग देगा। ये आपने ध्यान से इसके जो लम्स बन रहे हैं बीच में गुठलियाँ, ये आपने आराम से अच्छी तरह मिक्स करनी है और कोई गुठली नहीं आपने छोड़नी इसके। ये अब हम ये देखें, हमने बैटर ले लिए और ये हम इसमें कोको पाउडर ऐड करके चॉकलेट फ्लेवर दे रहे हैं इसको, और ये खूबसूरत चॉकलेट का जो कलर भी इसको देगा। इसको मिक्स करके देखते हैं हमें कितना कलर चाहिए। अब ये देखें, ये जो है हमारा कंटेनर है जिसके अंदर हमने इसको बेक करना है, और अब हम ये हमारा बैटर है, अब हमने इसको ये करना है कि हमारा जो सांचा हमने लिया है ना, इसके अंदर हम ऑयल लगाएंगे, घी लगाएंगे। ये हमने घी अच्छी तरह लगा लेना है, और हमने इसके अंदर कोई बटर पेपर इस्तेमाल नहीं करना। ये बिल्कुल सादा सी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, आपने इसके अंदर सादा हम कागज इस्तेमाल करेंगे जो घर में अवेलेबल होता है आम, और हम उसके अंदर भी ऑयल लगा लेंगे उस कागज के ऊपर भी। ये आपने जो पेपर लेना है उसको भी आपने घी लगा लेना है, ये देखिए अच्छी तरह, ताकि ये जो इसका ये इसको महफूज कर देगा बेकिंग के लिए, और ये जो है केक को चिपकने से रोकेगा, ये केक जो है ये चिपकेगा नहीं कागज के साथ, केक जो है चिपकेगा नहीं कागज के साथ, आसानी से उतर जाएगा। ये देखिए, ये मैंने केक ये पेपर मैंने लगा लिया है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर बैटर डाल देंगे। अब ये इसके अंदर हमने सांचे के डाल लेना है, ये हम जो बना रहे हैं आज कोको केक चॉकलेट वाला, वो हम आज कुकर में बनाएंगे। ये मैंने कुकर ले लिया, उसके अंदर ये एक पेंदे पे जाली लगती है, ये मिल जाती है यूजुअली कुकर्स के साथ, तो ये मैंने रखती है। देखें इसके अंदर ये बिल्कुल खुश्क है और मैंने इसके अंदर जाली रखती है। अब मैं इसके अंदर इस तरह से ये अपना जो है सांचा रख दूंगी। ये देखें, अब मैं पहले आपको बता दूं, हम इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे और फिर जो है हम इसको चेक करेंगे, अगर ना पका हुआ तो फिर हम और थोड़ी देर रहने देंगे इसको अंदर। ये आग जो है फ्लेम दरमियानी होना चाहिए, मीडियम, और ये 20 मिनट के लिए अब मैंने इसको चढ़ा दिया है, और हम 20 मिनट बाद देखेंगे कि वो पका है या नहीं। अगर नहीं पका होगा तो फिर हम इसको थोड़ी देर और रखेंगे। ये देखें जी, अब 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं, ये मैंने चूल्हा नीचे से बंद कर दिया, मैं देखने लगी हूँ, ये लग रहा है ये पका हुआ बिल्कुल बन गया। ये देखें, कोई चीज़ नहीं साथ आई,
इसका मतलब ये होता है कि ये बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखिए केक बिल्कुल तैयार है, इसको मैंने कुकर के अंदर से निकाल लिए। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ इस सांचे में से निकाल के। ये देखिए, ये मैं पेपर इसको खोलती हूँ, ये मैंने खोल लिए। अब ये देखिए ये केक मैंने डिश आउट किया। अब हम इसका ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया चॉकलेट का, और ये हमारा केक रेडी है। आप इसको ऊपर से कोई आप हनी डालना चाहते हैं, क्रीम डालना चाहते हैं, चॉकलेट डालना चाहते हैं, आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने चॉकलेट कोको पाउडर के साथ बनाया है। आप किसी किस्म का और फ्लेवर इसमें डाल सकते हैं, बेशक आप चॉकलेट सादा बनाना चाहें सादा बना सकते हैं। ये मैंने आपको कुकर में होम मेड कैसे बनाना है हमने केक ये बना के दिखा दिया। ये देखें ये कितना नरम है, ये देखें बिल्कुल सख्त नहीं है, और इसमें कोई ऐसी चीज़ मैंने इस्तेमाल नहीं की जो घर में मौजूद नहीं होती, ज़्यादातर चीज़ें घर में मौजूद हैं। उम्मीद है आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें, और अगेन मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी लेटेस्ट रेसिपीज के साथ अपडेट रह सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एक नई रेसिपी के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। ये मैंने स्लाइस करके इसको डिश आउट किया, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है।